पता है आप लोग को, आज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आज से क्या, मैं 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब आप लोग सोचिएगा कि किस बात को लेकर मैं परेशान हूँ, तो पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीखा लाइफस्टाइल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप लोग, ये तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे का मेरा ब्लॉग आता है, जिसमें कि मैं 5 यूट्यूबर का नाम लेती हूँ जो कि मुझे शुरू से सपोर्ट करते आते हैं। सो गाइज, आज है फ्राइडे ना, तो मैं फ्राइडे को ना अपने हस्बैंड का बर्थडे ब्लॉग शेयर की हूँ। सो आप लोग वो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा मैंने, मतलब अपने हिसाब से तो मैंने अच्छा किया है। आप लोग को पता नहीं कैसा लगे, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और फ्राइडे को ये ब्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने वो ब्लॉग जो शेयर किया है ना, तो सारा नेट मेरा ख़त्म हो चुका है। और ये ब्लॉग सैटरडे को शेयर करूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल भी नेट नहीं है, इसके लिए सॉरी। और आज देखते हैं कौन है वो 5 यूट्यूबर जो कि मुझे शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं। और आपको मैं फिर से बता दूँ, जैसा कि मैं बताती हूँ मतलब फ्राइडे को, कि जिनका मैं नाम आज नहीं लूँगी तो प्लीज़ वो अपसेट मत होइएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उनका नाम ज़रूर लूँगी। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते आ रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और चलिए देखते हैं बच्चे लोग आज क्या कर रहे हैं। बच्चों का क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास चलता है, तो आप सब जानते हैं कि बच्चों के साथ में बैठना पड़ता है ना, छोटे बच्चे हैं ना, तो साथ में ही बैठना पड़ता है, नहीं तो कुछ से कुछ करने लगता है वो लोग फ़ोन में। तो चलिए, इन लोगों का क्लास है तो पहले इन लोगों का क्लास करेंगे। और आज मैं थोड़ा सा लेट से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो चलिए देखते हैं आज कौन है वो यूट्यूबर 5 जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज किसका नाम है ना, तो आप लोग भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं किनका नाम लेने वाली हूँ वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। और चलिए देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जाते हैं उन लोगों को नाश्ता देने। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आप सबको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है पपीता। तो आज सबसे पहले तो इन दोनों को पपीता देंगे। पपीता खाली पेट खाना सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, सब आप लोग तो जानते होंगे ये बात कि खाली पेट कितना ज़्यादा फायदा करता है पपीता। तो चलिए पहले इसको छील कर उसके बाद बच्चों को देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जो पपीता था ना, तो उसको छीलना था, तो यहाँ पर देखिए मैंने छील कर और प्लेट में कट करके रखा है। दोनों बच्चों को जाते हैं देने, क्योंकि अब उसका क्लास भी मतलब कि थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होगा रुद्र का। और आज पीहू का भी ऑनलाइन क्लास ही है, आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को स्कूल में नहीं होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो चलिए पहले इन दोनों को पपीता दे देते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों को, दोनों अभी बेड पे ही पपीता खा रहा है रुद्र और पीहू दोनों। और यहाँ पे टीवी में चल रहा है देखिए क्या, चीकू बंटी, ये रुद्र का है, तो देखता है रुद्र। और जब ये दोनों खा लेंगे उसके बाद फिर मैं फटाफट से थोड़े टाइम बाद दोनों को नहाऊंगी, क्योंकि फिर रुद्र का क्लास स्टार्ट होगा, तो इसीलिए पहले दोनों खा लेते हैं उसके बाद फिर उन दोनों को नहलाती हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए दोनों नहा लिया है और खेल रहा है बेड पे। और यहाँ पे क्या लिया रुद्र, ये देखिए दोनों बेड पे खेल रहा है दोनों भाई बहन। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। जैसा कि आप सबने कुकर का सीटी का आवाज़ तो सुना ही होगा, अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं, उसके बाद जो काम होगा वो करेंगे। और पता है आप लोग को, आज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आज से क्या, मैं 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अब आप लोग सोचिएगा कि किस बात को लेकर मैं परेशान हूँ, तो पता है मेरा मंगलसूत्र जो था ना, तो मैं पता नहीं कहाँ रख दी हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। कब से मैं ढूंढ रही हूँ 2 दिन से और मुझे मिल ही नहीं रहा है, लेकिन मैं कहीं अच्छे से रखी हूँ बट नहीं मिल रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। और ये देखिए मैंने कितने सारे पूरा गोदरेज को फैला के इधर सारा सामान देखिए कैसे मैंने फैला कर रखा है, पूरा मिल ही नहीं रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया। और जब तक मुझे मिलेगा नहीं ना, तब तक बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, पता नहीं कहाँ रखती हूँ मैं। और पता है कब मैं रखी थी, जब स्कूल जिस दिन जाना था ना ट्यूजडे को पीयू को छोड़ने के लिए, तो मैंने हैंड पर्स में ना रखा हुआ था,
और जब जाने लगी तो देखी कि इसमें मंगलसूत्र, तो उसको मैं क्या की, फटाफट से जल्दी जल्दी मैं निकाल के कहीं रख दी गोदरेज में ही, पता नहीं कहाँ रख दी। मैं सोची कि मंगलसूत्र कहाँ लेके जाना, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं यहीं पे। और जब से मैं आई हूँ तब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। और इनका बर्थडे भी था, ये देखिए सारा का सारा ऐसे ही पड़ा है, अभी इसको उखाड़े भी नहीं है। और मेरा बेटा हमेशा इसको नोच नोच के खराब कर रहा है, उसको उससे पहले इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये फोड़ फाड़ के मतलब रख देगा कहीं भी। पता नहीं कहाँ मेरा गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा है। इनके बर्थडे में भी मैं पता है रेडीमेड मंगलसूत्र पहनी, क्योंकि साड़ी पे बिना मंगलसूत्र का तो अच्छा ही नहीं लगता है, तो मुझे रेडीमेड ही पहनना पड़ा। अब पता नहीं अब कहाँ है, मिल नहीं रहा है मुझे। तो चलिए फिर से एक बार ढूंढते हैं। ये देखिए सारा का सारा सामान जैसे तैसे मैंने रखा है, और अब मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रखी हूँ मैं, मुझे मिल ही नहीं रहा। ये देखिए पूरा उकट के मैं रख दी, और इधर भी देखिए पूरा डब्बा पूरा सामान फैला के रखी हूँ, बट कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दी। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि कहाँ रहता है, और आप लोग भी देखिए कहाँ रहता है, आप लोग को मैं दिखाऊंगी। मैं रखी हूँ पक्का अच्छे जगह से, मतलब अच्छे जगह पर मैं रखी हूँ, कहीं ऐसा वैसा फेंका नहीं है मैंने, कहीं रखा ही है बट पता नहीं कहाँ रखा है। और जब तक मुझे नहीं मिलेगा ना तब तक मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा कि कहाँ रखी मैं, पता नहीं। तो चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए मैंने सारे सामान निकाल दिए, और मुझे अभी तक मेरा मंगलसूत्र नहीं मिला है। सो काफ़ी ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो रहा है, और गुस्सा भी मुझे आ रहा है, पता नहीं मैं कहाँ रख देती, बहुत एक नंबर की मैं भुलक्कड़ हो गई। ये सारा सामान मैं निकाल दी हूँ, और आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि कैसे मैंने रूम को पूरा फैला के रखा है। ये देखिए कितने सारे सामान मैंने पूरा फैला कर इधर उधर फेंक के रख दिया। ये देखिए नीचे भी इतना सारा सामान, और इधर भी पूरा पूरा बिखेर कर रखा है। ये देखिए सारा, और अब इन सारे कपड़े को मुझे फोल्ड करके इसमें रखना पड़ेगा, तो ही इसमें कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे कपड़े को रखते हैं गोदरेज में, और उसके बाद फिर देखते हैं मिलता है। तो अभी ना मैं पहले साड़ी रख रही हूँ, ये देखिए एक एक करके, ताकि मेरा मंगलसूत्र मिल जाए। मैं किसी कपड़े में ही रखी हूँ, मुझे इतना तो याद है कि मैं कपड़े में ही रखी हूँ। तो पहले साड़ी को रख लेते हैं, एक एक करके रखेंगे ना तो पता चलेगा कि किस में रखा है ना, पता नहीं कहाँ है। सो फाइनली देखिए मेरा मंगलसूत्र कहाँ रखा था, ये देखिए मैंने कहाँ रखा। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि मुझे मिल गया। ये देखिए मैं बोली थी ना कि मैं साड़ी में ही रखी हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था, और ये देखिए मेरा मंगलसूत्र मिल गया। तो अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि मैं कहाँ रखती हूँ। आप लोगों के साथ होता है क्या ऐसा? जिनके साथ हो जाए मुझे कमेंट में बताइएगा किन किन के साथ ऐसा होता है। मुझे पता है याद ही नहीं रहता कि मैं कहाँ रख देती हूँ, और खुद ही मैं परेशान भी होने लगती हूँ। तो चलिए बहुत ही अच्छा हुआ कि मुझे मेरा मंगलसूत्र मिल गया। तो चलिए मंगलसूत्र तो मेरा मिल गया, सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद मैं आप लोगों के साथ हूँ ना, इसलिए मुझे फटाफट से मेरे मंगलसूत्र मिल जाए। आप लोग भी सोच रहे होंगे चलो मिल जाए मिल जाए, इसके लिए आप लोगों को भी थैंक यू। सो आप लोगों ने अगर सोचा होगा तो इसके लिए, और नहीं भी सोचा है तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए पहले तो मैं फटाफट से जितने भी मेरे कपड़े हैं पूरा मैंने बिखेर कर रख दिया है, तो मुझे सबसे पहले तो ये सारे रखने पड़ेंगे। और आप लोगों को मैं ना सारे सामान को अलमीरा में कैसे रखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी। तो मैं सोची ना कि जब मैं सारा सामान इधर उधर फैला ही दी हूँ, तो मैं एक वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो चलिए पहले मैं सारा सामान को रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। फाइनली मेरा मंगलसूत्र भी मिल गया, और मैंने देखिए सारा सामान भी कितने अच्छे से मैंने सारे सामान को गोदरेज में एडजस्ट कर दिया। ऐसे भी काफ़ी दिनों से इधर उधर सामान पूरा बिखरा था, तो आज सोची कि चलो मंगलसूत्र भी ढूंढ लेती हूँ, और फिर सामान भी फोल्ड हो जाएगा अच्छे से। इधर पे हूँ ना, टीवी देख रही है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा इधर से। तो चलिए अब आज का सारा काम हो गया, और अब हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं खाना लेके आ गई हूँ, और आज ना मैं, रुद्र और पीहू तीनों साथ में ही खाना खाएंगे, है ना बेटा? हाँ।
और पीयू का 2 क्लास हो गया है और 2 क्लास और बाकी है, तो वो भी करना है। तो फटाफट से जब तक कि 10 मिनट का टाइम मिला है ना, तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और देखिए खाना में हमने क्या क्या बनाया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज देखिए क्या क्या बनाया है, दाल चावल सीम आलू का सब्जी टमाटर धनिया पत्ता का चटनी, तो ये सब हम लोग खाएंगे हम तीनों माँ बेटा बेटी मिलके। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस आज का सारा काम मेरा हो चुका है और अब मैं फ्री हो गई हूँ, बस एक काम बाकी है, वो है पीहू का वीडियो बना के स्कूल के लिंक पे भेजना है, स्कूल से जो लिंक आता है ना ऑनलाइन वाला, तो उस पर वीडियो बना के भेजना है। तो वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन है वो 5 यूट्यूबर जो कि मेरा सपोर्ट करते हैं, ऐसे तो जितने भी हैं सारे सपोर्ट करते हैं बट मैं 5 का नाम लेती हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कौन है वो। सो आप सब मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं शुरू से। सो चलिए आज का 5 यूट्यूबर्स का नाम बताना स्टार्ट करती हूँ मैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिसका नाम मैं नहीं लूँगी तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपका नाम लूँगी। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन है वो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख के रखा है और स्टार्ट करते हैं आप बताना। तो पहला नाम है नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा, इनका मतलब कि सारा वीडियो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है, स्किन के बारे में आपके फेस के बारे में जो कुछ भी रहता है ना, किस तरीके से आप केयर कर सकते हो ना अपने स्किन का, वो सारा कुछ वो बताती हैं ये वीडियो पे। तो आप इनके वीडियो पे जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहता है नेचुरल होम ब्यूटी अनुपमा, ये है फर्स्ट नाम, ये था फर्स्ट चैनल। और सेकंड चैनल जो है वो है आयांस मॉम, ये इनका चैनल बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी ज़्यादा शुरू से मुझे सपोर्ट करती आ रही हैं। ऐसे तो जिनका मैं फर्स्ट बार बोली ना अनुपमा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से सपोर्ट करती आ रही हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मैंने इंस्टा पर भी उनको फॉलो किया है और जितने भी हैं मेरे सारे इंस्टा पर भी, आप लोग भी चाहो तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, आशी पांडे करके है, आशी पांडे 683 मेरा आईडी है इंस्टा का। और सॉरी आयांस मॉम जो है इनका चैनल बहुत ही अच्छा है, तो ये मतलब कि रेसिपी और ब्लॉग शेयर करती हैं आप लोगों के साथ। सो उनके भी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो रहता है और रेसिपी भी अमेजिंग रहता है, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती आई हैं। और थर्ड जो है वो है कल्पना फैमिली ब्लॉग, ये भी बहुत ही अच्छी है, इनका तो आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत मेहनत करती हैं बहुत ज़्यादा, इनके भी बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको भी परेशान करते रहते हैं जैसे मेरे बच्चे, ऐसे तो सारे बच्चे रहते हैं सारे परेशान करते ही हैं, और अगर एक दिन परेशान ना करें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना, लगता है क्या हुआ क्या हुआ क्यों नहीं, मतलब कि मस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं ना, तो ये भी मुझे शुरू से सपोर्ट करती आई हैं। और ये शायद इंस्टा पे नहीं है, मैंने इंस्टा पे इनको फॉलो नहीं किया है, तो इनका चैनल आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ब्लॉग बहुत ही अच्छा रहता है, ये मतलब अपनी सासू माँ पूरे फैमिली को लेके चलती हैं और पूरे वीडियो में भी बताती हैं सबके बारे में, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो ये थर्ड था, मतलब 3 नंबर इनका था। और 4 जो है चैनल का नाम वो है फैशन की दुनिया बाय इमरान अहमद अंसारी, इनका मतलब अमेजिंग, इनका तो कहना ही मतलब क्या मैं बोलूँ, इनका इतना अच्छा अच्छा डिज़ाइन का ये सूट, सारे डिज़ाइन बाजू का जो डिज़ाइन होता है वो सारा कुछ इतना अच्छा अच्छा रहता है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के ये कपड़े सिलते हैं, पता नहीं कहाँ से मुझे ये मालूम नहीं है बट ये भी मुझे शुरू से सपोर्ट करते आए हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा ये वीडियो डालते हैं, तो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा ड्रेसेस बनाते हैं ये और डिज़ाइन का, हर डिज़ाइन का रहता है इनके पास, सो बहुत ही डिज़ाइन का आपको मिल जाएगा, अगर आप सिलाई करती हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा, तो आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हो। और लास्ट जो नाम है वो है कुक स्टाइल एंड स्माइल विथ हिना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती हैं वो, और उनका वीडियो भी बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो डालती हैं और ये भी मुझे शुरू से सपोर्ट करती आ रही हैं और बहुत ही अच्छा ब्लॉग भी बनाती हैं। सो आप लोग इनके चैनल पे भी जाके देख सकते हो। सो ये थे 5 यूट्यूबर आज के, और अब मैं नेक्स्ट फ्राइडे को बताऊँगी कि कौन है वो 5 यूट्यूबर्स।
तो वो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को बताऊंगी। तो जितने भी फ्रेंड्स का मैंने आज आपको नाम बताया वो सारे मुझे शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड हैं ना सब बहुत ही अच्छे हैं, शुरू से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप सब मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, सो मैं सारे के कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और हमेशा वेट करते रहती हूँ कि कब आप लोगों के कमेंट आए तो मैं पढ़ूँ। और सारे मैं कोशिश करती हूँ सबका कमेंट का रिप्लाई मैं निश्चित करती हूँ। कोई कोई होंगे जो जिनका छूट जाता होगा, लेकिन मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो जितने भी मेरे फ्रेंड हैं ना सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। सो आप सबका थैंक यू सो मच, आप सब बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो मेरे। सो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। सो आज का ब्लॉग और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।